कोमालिका बारी ने पिछले साल 2019 में इतिहास की किताबों में अपना नाम दर्ज कराया क्योंकि वह विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली सिर्फ तीसरी भारतीय बनी। 2016 में टाटा तीरंदाजी अकादमी में जाने से पहले 4 साल तक भारतीय धनुष से ट्रेनिंग लेने वाली कोमालिका इस फील्ड में तेजी से उभरी। झारखंड से आके कोमालिका ने अपने चचेरे भाई को फॉलो करते हुए ISWP स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जमशेदपुर में तीरंदाजी करने से पहले टा कोच धर्मेंद्र तिवारी और पूर्णिमा महतो के अंडर में अपनी स्किल्स में सुधार किया। कोमालिका ने NNIS स्पोर्ट्स को बताया कि साल 2019 उनके करियर का टर्निंग पॉइंट था क्योंकि उन्होंने कुछ बड़े टाइटल जीते, क्योंकि टोक्यो गेम्स के स्थगित होने से वह बहुत निराश हैं। सुशांत सर, धर्मेंद्र सर और पुनिया मैडम के अंडर रह करके मुझे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस मिले। सुशांत सर के अंडर जब मैं थी तब मैंने बेसिक सीखा और जैसे अभी मैं धर्मेंद्र सर पुनिया मैडम के अंडर हूँ तो अभी मैं सीख रही हूँ कि कैसे परफॉर्मेंस को बेटर बनाया जाए और हाई लेवल पे कैसे परफॉर्म किया जाए। हाँ, 2019 को मैं अपना मेजर टर्निंग पॉइंट ईयर बोल सकती हूँ क्योंकि 2019 में ही मैंने अपना मेजर अचीवमेंट्स दिया। इससे पहले भी अचीवमेंट था लेकिन वो माइनर था। ISWP मेरा पहला होम ग्राउंड था, वहाँ जो कुछ भी होता था मेरे लिए फर्स्ट टाइम था और बहुत ही एक्साइटिंग होता था क्योंकि वहाँ जो भी हम सीखते थे वो हमारे लिए फर्स्ट टाइम होता था और वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। कोच ने हमें बहुत अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दिया और बहुत अच्छा था। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ओलंपिक पोस्टपोन होना सही नहीं है क्योंकि एक प्लेयर की ओर से देख ले तो हम इतनी मेहनत करते हैं और अचानक से हमें बोल दिया जाए कि ओलंपिक पोस्टपोन हो गया तो हमारा जोश कहीं ना कहीं ठंडा हो जाता है, फिर हमें रिस्टार्ट करना पड़ता है जो कि थोड़ा मुश्किल रहता है। लेकिन अगर इसका पॉजिटिव भी देखें तो हमें और भी टाइम मिलता है। हाँ, ये पहली बार है जब हम आर्चरी से इतने दूर रहे हैं। पहले भी हमने छुट्टी मनाया लेकिन वो 1-2 हफ्ते की ही होती थी लेकिन इस बार तो 2 महीना हो गया तो बहुत मिस कर रहे हैं पहले वाले ट्रेनिंग को। लॉकडाउन में हम फिजिकल ट्रेनिंग पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं और हम बोल रहे कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमें बाहर नहीं जाना है तो शूटिंग नहीं हो पा रहा है और ये बहुत बड़ी दिक्कत है। आर्चरी में अगर हम शूटिंग नहीं करते तो हमारा फीलिंग्स कहीं ना कहीं कम हो जाता है।